दोस्तों, हमारा नाम है हमजा और आप देख रहे हो मेरी मिस्ट्री चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं फिंगर्स का कीबोर्ड, और ये है मैग्नीफो मूनलाइट वायर्ड कीबोर्ड। और ये अभी अभी इंपोर्ट हुआ है सितंबर 2022 में, लेकिन ये बहुत पहले ही इन्वेंट हो चुका है, इसीलिए हमने अभी मंगाया फ्रेश पीस अमेजोन से। तो और हम इसको 1 वीक यूज़ करके इसका रिव्यू दे रहे हैं आपको। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, और ये हमें कुछ ज्ञान की बातें थोड़ी मिलती है। और इस पर हम रजिस्टर कर सकते हैं, अपना वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है फिंगर्स के, ये यहाँ पर है। तो और देखते हैं क्या है, और भी हमें मिला है, और हमें इसके साथ ही एक छोटी सी गाइडलाइंस मिलती है कि ये फिंगर्स का प्रोडक्ट है, कैसे यूज़ करें इसको। यहाँ पर सब शॉर्टकट्स दिए गए हैं। तो चलिए अब हम अपने कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड की क्वालिटी पूरी तरीके से प्लास्टिक की है, ये यहाँ पर भी, लेकिन हैवी प्लास्टिक है। और इसके अंदर स्क्रू भी सब ब्लैक कोटेड स्क्रू है, और यहाँ पर हमें ये कैसे दिया गया है। और मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ये जो स्पेस बार की बटन, ये हिल रही है थोड़ी सी, और इसकी आवाज़ भी थोड़ी सी अलग है बाकी कीज़ की तरह। और लेकिन बहुत ही अच्छी कीज़ है ये, काफ़ी नॉर्मल यूज़ करने में काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। तो अब हम इस कीबोर्ड को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। और अपने कीबोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है, और देख लीजिए कीबोर्ड की लाइट भी ऑन हो गई है। ये कैप्स लॉक की है, और ये नम लॉक की है, और यहाँ पर ये स्क्रॉल की लाइट है। ये तीनों लाइट जो है वर्क कर रही है। और यहाँ पर ये जो है, इसको बंद भी कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ करने का फंक्शन है। और अगर हमको लाइट को ब्रीदिंग मोड में डालना है, तो हम ये इसको ऐसे करेंगे, ये ब्रीदिंग मोड में चली गई। तो देखिए लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी धीरे, स्लोली स्लोली। अब हमको स्टैटिक रखना है अपनी लाइट, तो फंक्शन, और यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको फिर से दबाएंगे, ये ब्रीदिंग हो जाएगी, और फिर से करेंगे ये स्टैटिक हो जाएगी। और अगर हमें इसकी ब्राइटनेस कम करनी है, तो हम इसको, ये ब्राइटनेस कम हो जाएगी। 3 पावर है, 1, 2, 3, ये सबसे 3 पावर लाइट्स है इसकी। तो और इसकी सारी कीज़ जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सारी कीज वर्क कर रही है और काफी अच्छा चल रहा है। सारी कीज वर्क कर रही है, और इसकी साउंड कुछ ऐसी है। तो आप देख सकते हैं, आप अगर आपको अंधेरे में काम करना है, तो ये अंधेरे में काफी विजिबल है, जो कि बाकी आरजीबी जो कीबोर्ड है उसके अंदर हमें एग्जैक्टली कीज नहीं दिखती है, मगर इस फिंगर्स के कीबोर्ड में हमें एग्जैक्टली कीज एकदम विजिबल है पूरी तरीके से। आप डार्क प्लेस में भी बैठकर इस कीबोर्ड से अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, मून का, देखिए ये। और अगर आपको इसकी लाइट को कम करना है अंधेरे में भी, तो आप कम कर सकते हैं। और ये मींस अंधेरे में काफ़ी अच्छे से ये लैपटॉप दिखेगा, कीबोर्ड आपको नज़र आएगा, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये कीबोर्ड तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। 1 हफ्ता यूज़ किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने रिव्यू, और सिर्फ मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि इस स्पेस बार की बटन जो है कि काफ़ी जो है हिल रही है बस, लेकिन वर्क कर रही है ये पूरी तरीके से। तो आपको, और इसके अंदर जो है मीडिया कंट्रोल भी है, कीज़ ऊपर यहाँ पर दी गई है मीडिया कंट्रोल कीज़, और ये सारी की सारी वर्क कर रही है। और मुझे अभी लेटेस्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मिला है, और इसी तरीके से मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लेटेस्ट मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो अमेजोन से। और ये प्रोडक्ट है 699 का। तो अगली वीडियो में हम ज़ेब्रोनिक वॉर का कॉम्बो वायर्ड कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में हमारे नए प्रोडक्ट के साथ।